ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य प्रणिपात महाराज कल्याण हो वासुदेव। हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। हे वासुदेव, कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। ऐसे रात्रि का आगमन टिंगर की ध्वनि से जाना जाता है, वैसे पंच का नाश हम वृद्धों के हताशा से भरी श्वास की ध्वनि से जाना जाता है। हे वासुदेव, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया। महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किंतु सत्य तो यह है वासुदेव की एक राजा का पुत्र ही राजा बनता है। किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। सत्य तो ये कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं।
आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ महाराज? वासुदेव, सत्य तो यह है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया था कि वो एक वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे, किंतु मेरे बच्चे दुर्योधन एक वर्ष पूर्ण होने से पहले अर्जुन को ढूंढ लिया। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं, यदि वे युद्ध का हट छोड़ दे। मंदिर के प्रांगण में करने से भी अनुचित कार्य उचित नहीं हो जाता गांधार राज। युद्ध सभा ही अधर्म थी, इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। वासुदेव, क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी और स्वयं अपने आप को दांव पर नहीं लगाया था? तो अधर्म किस प्रकार हो सकता है वासुदेव? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता। समग्र भोजन को विषयुक्त माना जाता है। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या भूल गए वासुदेव? माया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। वासुदेव, उस युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोण भी थे, क्या इन्होंने भी अधर्म किया? अवश्य किया था। जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता है। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं। इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है, और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव मान्य नहीं है। यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। दुर्योधन, हेरो, वासुदेव,
दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा? और कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? और अपराध करने के पश्चात दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य है? किंतु फिर भी मैं वचन देता, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। इतना हो पाएगा युवराज? क्षमा करें वासुदेव, अपराध क्षमा दंड युद्ध ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है। और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति, पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज, केवल 5 गांव। मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। ये छल है अंगराज, छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडुपुत्र हमें द्वंद का आवाहन दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण
किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को पांचों पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना। गांधार राज, यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं। पुत्र दुर्योधन, मान्य कर लो ये शांति प्रस्ताव। पुत्र, इस युद्ध की भीषणता से आर्यवर्त को मुक्त कर दो। पुत्र, अपने माता पिता को मुक्ति दो। पुत्र, पांच गांव देकर अपनी पराजय मान लूं, मेरे हृदय में भय है उन पांडवों का, ये स्वीकार कर लो। नहीं पिताश्री, कुत्ते और सिंह पर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर को देखकर भौंकता है और सिंह फेंकने वालों की ओर दहाड़ता है। मैं युद्ध के विचार से भयभीत हो जाऊंगा। मैं असंभव नहीं पुत्र। और ये प्रश्न ना संपत्ति का है ना सत्ता का है, ये व्यक्तिगत बैर का प्रश्न है पिताश्री। जब तक पांडु के पुत्र इस भूमि पर श्वास ले रहे हैं तब तक मुझे सारा वातावरण विष से भरा प्रतीत होता है पिताश्री। मैं किसी दुर्गंध से भरे कोढ़ी को आलिंगन दे सकता हूं, पांडवों को पांच गांव नहीं दे सकता। मैं किसी व्यभिचारी स्त्री को पत्नी का स्थान दे सकता हूं, पर उन पांडवों को पांच गांव नहीं दे सकता हूं। मैं यमराज के सामने अपना मस्तक काट सकता हूं, पर उन पांडवों को पांच गांव नहीं दे सकता। सुनो वासुदेव, पांच गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज, कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता तो स्वयं आंखें मूंद कर
ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। आप आने वाले समय की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह? आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी शरणागति की पताका नहीं फहराई थी। क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में हैं। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। ये किस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास? मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं। सैनिकों, सैनिको बंदी बना लो इस ग्वाले को। मुझे बंदी बनाओगे मूर्ख दुर्योधन? ये प्रयत्न भी कर लो। दुर्योधन, ऐसी मूर्खता मत करो। विश्वास, रोको अपने पुत्र को। दुर्योधन, पुत्र, रुको पुत्र, रुको। दुर्योधन, क्या अधर्म कर रहे हो तुम? दुर्योधन, इसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। नहीं, इसके प्राण मैं नहीं ले सकता। इसके प्राण लेने का संकल्प भ्राता भीम का है। गांधार राज, कर लो अपनी योजना पूर्ण। डालो बेड़ियां मेरे हाथों में। सैनिको उठो, इसके हाथों में डालो बेड़िया, उठो। आ,
सैनिकों। तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारे सैनिक नहीं उठा सकते दुर्योधन। ये एक कार्य केवल तुम्हें करना होगा। उठाओ बेड़िया, देखते हैं तुम्हारी आत्मा और कितने पापों का बोझ उठा सकती है। दिखाओ अपनी शक्ति, बना लो बंधी मुझे। दुर्योधन पुत्र, रुको पुत्र रुको। ऐसा मत करो मित्र, शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। दुर्योधन Oh, 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 oh
जेस्ट, जेस्ट आपने मुझे ही बेड़ियां डाल दी। जेस्ट मुझे मुक्त कराइए। जेस्ट मुझे बंदी बनाएंगे भ्राता दुर्योधन। मित्र मुझे बेड़ियां डाल पाओगे? पुत्र दुर्योधन, शक्ति है तो मुझे बंदी बनाओ। अपने पापों का भार उठा पाओगे पुत्र दुर्योधन? मेरे बच्चे, शक्ति दिखाओ पुत्र, बेड़ियां डालो। बंदी बनाने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा पुत्र। कारागार में कौन? मैं या आप भ्राता दुर्योधन?
ये कैसी माया थी वासुदेव? माया नहीं थी युवराज, भविष्य दर्शन था। शीघ्र ही रणभूमि में आपकी मृत्यु आपका पीछा इसी प्रकार करेगी और आप कहीं छुप नहीं पाएंगे, क्योंकि मृत्यु से छुपने का या भागने का कोई उपाय ही नहीं। जिस दिन रणभूमि में धर्म की ज्वाला उठेगी, समग्र कुरुवंश आपकी दृष्टि के सामने भस्म हो जाए। प्रणिपात महाराज,